एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। जय हिंद, मैं हीना मंसूरी, स्वागत है आपका सीएनसीसी टीवी न्यूज में। चीन में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। घातक वायरस की चपेट में आने से चीन के अब तक कुल 2239 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पीड़ितों की संख्या बढ़कर 75,000 के पार पहुँच गयी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार हुबेई में बुधवार को 414 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अकेले हुबेई में मरने वालों की संख्या 2114 पहुंच गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिकन एयरलाइंस ने चीन और हांगकांग से आने वाले विमानों पर प्रतिबंध को 24 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है, जबकि एयर फ्रांस से चीन से आने वाले और जाने वाले विमानों पर मार्च तक के लिए प्रतिबंध लगाया है। मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला मामला दिसंबर में सामने आया था। तब से यह वायरस वुहान से पूरे चीन समेत दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चीन के बाहर कोरोना वायरस से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें जापान में 3, हांगकांग में 2, ईरान में 2, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में 1-1 मौत दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल CNCC TV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।